हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये है मार्केट। आई एम अनुराग। आज आप मेरे साथ मार्केट का टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मार्केट के टॉपिक में सबसे पहले आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट की मार्केट कहते किसको हैं, जिसमें कोई कमोडिटी हो, बायर हो, सेलर हो, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो और देन वो उसको खरीदने और बेचने का काम करें। ये सब क्या कहलाता है आपका मार्केट। मार्केट के एसेंशियल्स क्या हैं कि सर इसमें बायर होना चाहिए, इसमें सेलर होना चाहिए, इसमें कोई कमोडिटी होनी चाहिए, कोई प्राइस होनी चाहिए, उसके बेसिस पर आपके एसेंशियल्स होंगे। थ्योरेटिकल अगर पॉइंट्स एक एक नंबर के पूछे जा सकते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सर मार्केट कितने टाइप का होता है? तो देखिए, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में बेसिकली तो आपके दो टाइप है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। बेसिकली पूरे चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके फीचर्स क्या हैं और इनके जो कर्व्स वगैरह हैं वो कैसे बनेंगे। तो जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, तो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, होमोजेनियस यानी सिमिलर टाइप ऑफ आपकी कमोडिटी होती है, आइडेंटिकल प्राइसेस होती हैं। उन सब के फीचर के बारे में अपन डिटेल में डिस्कशन यहाँ करेंगे। यहाँ बेसिकली आपसे पूछेंगे भी क्या, परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है, इसके फीचर क्या है, ये क्वेश्चन आपका आएगा। तो वो सारे फीचर जो है मैं आपको नोट्स के वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। नंबर टू है इम्परफेक्ट कंपटीशन, और इम्परफेक्ट कंपटीशन के और वेरिएंट्स हैं। नंबर वन मोनोपोली, नंबर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और नंबर थ्री है आपका ओलिगोपोली। इनके बारे में अलग अलग इनके फीचर्स हैं वो डिस्कस होंगे। सभी में हम फीचर्स ही डिस्कस करेंगे कि फीचर क्या है। जैसे मोनोपोली क्या है, मोनोपोली का मैं एग्जाम्पल देता हूं, इंडियन रेलवे, ठीक है, जो इंडियन रेलवे है उसकी मोनोपोली है। आज अपन देखें कि रेलवे के अलावा हमारे पास ऑप्शन भी क्या है। यहाँ से अगर हमें चेन्नई जाना हो तो एयरप्लेन तो काफ़ी महंगा है, तो डेफिनेटली मोनोपोली होगी किसकी, रेलवे की, कि हाँ भाई हमको रेलवे से ही जाना पड़ेगा, बसेस इतनी दूर की फिजेबल नहीं होती हैं, दैट्स वाई। तो ऐसी मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली अलग अलग है, कई लोग इसको एक समझ लेते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक में क्या है, खूब सारे नंबर ऑफ बायर होते हैं, खूब सारे नंबर ऑफ सेलर होते हैं। सर वो तो यहां भी होते हैं, फिर तो दोनों एक ही है? नहीं, यहाँ होमोजेनियस क्वांटिटी होती है, यानी क्वांटिटी जो कमोडिटी होती है वो एक जैसी होती है। यहाँ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है, क्या कि प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, उनमें क्वांटिटी वाइज या क्वालिटी वाइज कोई डिफरेंस होता है, वो अपन डिस्कस यहां करेंगे। और देन सबसे लास्ट में आपका आएगा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं। जैसे मैं इसमें एग्जांपल देता हूं कार सेलर्स का, इंडिया में लगभग 15 कार सेलर्स होंगे, मतलब 15 कंपनियां, होंडा, मारुति, हुंडई, और भी आप देखेंगे निसान, टोयोटा वगैरह, कुल मिलाकर लगभग 15 ही है, 15 से ज्यादा नहीं होंगे। तो इनके बीच में कंपटीशन जो वो मोनोपोलिस्टिक नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 15 हैं। तो ये ओलिगोपोली का प्रिंसिपल इसमें आ जाएगा। इसमें भी आप ओलिगोपोली में भी देखेंगे कल्लुसिव भी होगी, नॉन कल्लुसिव भी होगी, उनके डायग्राम्स हैं वो डिस्कस होंगे। इसके अलावा इन सबका कंपेरेटिव चार्ट में सबसे लास्ट में एक आपका डिस्कस करूंगा, जिसमें कंपेरेटिवली मैं इन चारों को समझाऊंगा कि हाँ भाई ये चीजें क्या हैं, कैसे बनी हैं। तो इन सभी के फीचर बेसिकली इस चैप्टर में अपन को डिस्कस करने हैं और इनके कंपैरेटिव चार्ट इनके, तो ये सब चीजों को अपन आगे नोट्स के वीडियो में जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो आइए नोट्स में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी अपन जो टॉपिक ले रहे हैं, दिस इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन। तो देखिए, सबसे पहले तो मार्केट क्या है। देखो, मार्केट कहते हैं एक बाजार को जहां बायर्स हों, सेलर्स हों किसी कमोडिटी के, और वो किसी भी तरीके से कांटेक्ट में है। कांटेक्ट आप फोन पे भी हो सकते हैं, आजकल तो आप देखते हैं कि इंटरनेट मार्केटिंग पूरी हो गई है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो वो कांटेक्ट में किसी भी तरीके से आ सकते हैं। क्यों आना चाहते हैं वो ईच अदर कांटेक्ट में, टू इफेक्ट द परचेज एंड सेल, जिससे कि वो सेल और परचेज कर सकें ऑफ द कमोडिटी। तो आपकी डेफिनेशन में जो भी ये मैं अंडरलाइन पार्ट बता रहा हूँ ना, ये सारे पार्ट आपके होने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुए तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लिखा है द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मार्केट कैन बी, क्या क्या आ सकता है मार्केट में। एक तो एरिया होना चाहिए, ठीक है। एरिया का मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, ये एक स्प्रेड एरिया है, क्योंकि अपन देखते हैं इंटरनेट ने तो पूरी दुनिया को जोड़ दिया। आप अमेरिका की किसी कंपनी से यहाँ घर बैठे जो सामान है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मतलब एरिया से मतलब है कि उनके बीच में कॉन्टेक्ट होना चाहिए, किसके बीच में होना चाहिए, बायर और सेलर के बीच में, सही है।
बायर और सेलर होने चाहिए खरीदने के लिए, है ना। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि उनका फिजिकल प्रेजेंस हो। हाँ, वो कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टेड वो फोन पे भी हो सकते हैं, थ्रू इंटरनेट भी हो सकते हैं। और कोई कमोडिटी होनी चाहिए भाई, जिसका तुम ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कमोडिटी तो हो ना, विच विल बी सोल्ड एंड परचेज्ड अमंग बायर एंड सेलर, उनके बीच में उनको खरीदा जाए बेचा जाए, इस तरीके से। सही है। तो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मार्केट क्या हो गए? एक तो ज्योग्राफिकल एरिया। वैसे ज्योग्राफिकल एरिया तो आजकल देखो रहा नहीं, क्योंकि अब फ्लिपकार्ट है, हम फ्लिपकार्ट को देखते हैं, तो फ्लिपकार्ट या अमेजन जो है कोई ज्योग्राफिकल एरिया में थोड़ा ना, लेकिन उनको शामिल तो किया गया है, तो वो कोई ज्योग्राफिकल एरिया नहीं, वो तो पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेती है। फिर उसमें बायर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए, ऊपर पड़ा भी, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो कैसे भी मीडियम से हो, है ना। इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉन्टैक्ट, इट इज कॉन्टैक्ट। उनका एक्सचेंज का पर्पस होना चाहिए, कोई कमोडिटी होनी चाहिए और कोई प्राइस होनी चाहिए, जिससे कि उनकी डिमांड एंड सप्लाई की जा सके। तो ये सब एसेंशियल हैं जो कि एक मार्केट के लिए आपके होने चाहिए। सर, मार्केट कितने टाइप का होता है? दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। देखो, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में अगर अपन देखें, मार्केट की फॉर्म्स दो हैं, एक तो है परफेक्ट कंपटीशन और एक है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का तो इटसेल्फ एक ही पार्ट है, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन के हम देख रहे हैं तीन पार्ट है। नंबर वन, मोनोपोली। नंबर टू, मोनोपोलिस्टिक, इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोनोपोली। एंड नंबर थ्री इज ओलिगोपोली। हम बारी बारी से वन बाय वन करके इन सब का एक्सप्लेनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देखो, इन सब की कोई डेफिनेशन नहीं होती, इनके जो फीचर्स है ना, उन फीचर्स को मिलाकर ही हम डेफिनेशन जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ लिखा है, इट इज ए फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। सबसे बड़ी फीचर इसकी यही है। ऑफ ए कमोडिटी इन दिस मार्केट होमोजेनियस प्रोडक्ट, होमोजेनियस यानी सिमिलर काइंड, एक जैसा, एंड सोल्ड एट ए यूनिफॉर्म प्राइस, यानी सिमिलर प्राइस, प्राइस एक ही होती है। सही है। तो होमोजेनियस प्रोडक्ट यानी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो वो प्रोडक्शन बेच रहे हैं उसके अंदर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। सही है, आगे चलते हैं। सबसे पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स लेते हैं। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, खूब सारे बायर एंड सेलर हैं। एक अकेला बायर सेलर मार्केट को इफेक्टेड नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे आपके बायर एंड सेलर हैं। इसका जो पर्टिकुलर अगर अपन देखें कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन बहुत ही वेरी रेयर है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि सबके प्रोडक्ट एकदम एक जैसे हों। सही है। तो ऐसा अपन, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है एक तरीके से। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे फोटो स्टेट की आपकी जो है शॉप है ना। अब फोटो स्टेट की अपन बात करें कि फोटो स्टेट के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट थोड़ा ना करता कि हमारे यहाँ से फोटो स्टेट कराओ। और नॉर्मली आप देखेंगे कि फोटो स्टेट के जो प्राइसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी शॉपकीपर्स के एक ही होते हैं, क्योंकि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है। कोई जना कहता है मैं फोटो स्टेट नहीं करूंगा, अब भाई आप फोटो स्टेट नहीं करोगे तो हम कहीं और से करा लेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या वो कह दे कि आप कह दो कि मैं फोटो स्टेट नहीं करूंगा, मत करो भाई, लाखों लोग करोड़ों लोग करा रहे हैं, वो करा लेंगे, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, आगे देखते हैं। आगे देखें होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट का मतलब है कि जो इनका प्रोडक्ट है ना वो सिमिलर टाइप का होता है। मैं यहां लिख देता हूं, इट इज सिमिलर टाइप, यानी एक जैसा होता है, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। आप किसी भी दुकान से खरीद लो तो एकदम एक जैसा है, जैसे फोटो स्टेट आप कहीं से भी करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन आपका आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी फर्म मार्केट में आ भी सकती है और जा भी सकती है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं भाई आपको तो दुकान खोलनी ही पड़ेगी, मत खोलो भाई, इतने सारे दुकानदार हैं, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे कोई भी जना आ भी सकता है, कोई दुकान खोल भी सकता है और कोई अपनी दुकान बंद भी कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज का मतलब है कि बायर जो है उसको परफेक्ट नॉलेज है अपने प्रोडक्ट की, तो आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या स्पेशल फीचर है। फोटोस्टेट वाला बताता है क्या? वो तो आप ले जाते हो, वो तुरंत फोटोस्टेट कर देता है। सही है। वो कोई उसके गुणगान थोड़ा ना करता है कि हाँ भाई मेरी फोटोस्टेट में ये स्पेशलिटी है, सभी की फोटोस्टेट एक जैसी होती है, उसमें क्या स्पेशलिटी होगी।
परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी जैसे लेबर है, लेबर को जयपुर से आपको अमृतसर ले जाना है तो परफेक्ट मोबिलिटी आप ले जा सकते हो, ये मान के चल रहे हैं कि उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। वर्कर कैन ऑल्सो मूव बिटवीन जॉब एंड प्लेस, है ना, वर्कर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव किया जा सकता है। देन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये बता रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगी। अब देखो इमेजिनरी है, ऐसा कैसे हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों नहीं लगेगी? अगर आप वर्कर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो उनकी बसेस का किराया तो लगेगा, सही है। इसके अलावा ये पॉइंट नंबर 6 हुआ। पॉइंट नंबर 7 अपन और लिख सकते हैं, आइडेंटिकल प्राइस, आइडेंटिकल प्राइस यानी सिमिलर प्राइस, यानी प्राइस सबकी एक जैसी होती है। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं, नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। आपको फोटो स्टेट के लिए कभी एडवर्टाइजमेंट थोड़ा देना पड़ता है कि हाँ भाई हमें एडवर्टाइजमेंट करना है, है ना, तो आप देखोगे कभी भी फोटो स्टेट के कोई बैनर वैनर लिखे हुए आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इजीली ये सारा काम आपका इजीली बिकता है, आपको एडवर्टाइजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। सर इसका डिमांड करो जो है वो कैसे होता है, तो देखो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व अलग होता है, फर्म का अलग होता है, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स हैं, बहुत सारी फर्म्स मिलके क्या बनती है, इंडस्ट्री। तो जो एक फर्म है ना वो कभी प्राइस को अफेक्टेड नहीं कर सकती, क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज्यादा हैं, तो प्राइस जो तय करती है वो इंडस्ट्री होती है, इसीलिए इंडस्ट्री को यहाँ प्राइस मेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइस मेकर। और फर्म जो होती है वो यहां होती है प्राइस टेकर, यानी ये प्राइस लेगी, ये बनाएगी नहीं प्राइस, प्राइस मेकर तो इंडस्ट्री है। तो जहां इंडस्ट्री की डिमांड, ये डिमांड है, और जहां सप्लाई इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे से, ये सप्लाई आ रही है, ये डिमांड आ रही है, ये डिमांड आ रही है, ये सप्लाई आ रही है, यहां इसने इंटरसेक्ट किया, तो ये जो प्राइस बनी पी, यही आपको प्राइस जो है मेकर हो गई, इंडस्ट्री ने प्राइस मेक कर दी, यही प्राइस यहाँ कंटिन्यू करके डाइजेस्ट करके जा रही है और ये फर्म में आकर आपकी प्राइस जो है वो बन गई, सही है। इसके बारे में अपन रेवेन्यू चैप्टर में जो है वो डीप डिस्कशन जो है वो अपन ने किया था, क्या एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि सिमिलर प्राइसेस हैं, एक जैसी प्राइसेस है, सबकी एमआर भी वही होती है और सबकी एआर भी वही होती है, तो इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं, सही है। तो इस तरीके से इंडस्ट्री ने जो प्राइस बनाई वो फर्म ने टेक ओवर कर ली, सही है। तो ये होता है फर्म इज ए प्राइस टेकर, फर्म यहाँ प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर कौन है, इंडस्ट्री। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है, अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते, अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो, उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विद इन फाइव सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए, मेरा नंबर है 9829224488, आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।
देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 ईयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी, और वो ट्यून अप में आपको बार बार नई ट्यून अप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहां आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपन ले रहे हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में अलग अलग मैंने कहा था आपके पार्ट हैं, जिनमें पहला पार्ट आपका आता है मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? देखो मोनोपोली जो है 2 ग्रीक वर्ड्स को जोड़कर बना है, ये मोनोपोली है। एक तो मोनोस, मोनोस का मतलब होता है सिंगल, और एक है पोलस, पोलस का मतलब है सेलर। जो जब सिंगल सेलर होता है तो फिर वो आपका मोनोपोली कहलाता है। इसका एग्जांपल है रेलवे इन इंडिया, सही है, एक ही रेलवे है। आपका जो प्राइस है यहाँ से आपका चेन्नई जाने का, मान लो 1500 रुपये है, और रेलवे ने कह दिया भाई अब तो हम आपसे 1600 रुपये लेंगे, तो आपके पास ऑप्शन भी क्या है? चेन्नई आप जाओगे तो रेल से जाना ही पड़ेगा, बस से तो जा नहीं सकते। अब आप कहोगे सर हम एरोप्लेन से भी तो जा सकते हैं, लेकिन एरोप्लेन की प्राइस 1500 रुपये थोड़ा है, 1500 थोड़ा है, वो तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए तो फीचर ऑफ मोनोपोली अपन देखेंगे कि सर फीचर ऑफ मोनोपोली जो है वो क्या है। तो देखो सबसे पहली बात तो है सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर का मतलब ओनली वन सेलर, एक ही सेलर है। रेलवे अपने आप में एक ही सेलर है, हम सब तो बायर हैं, हमको तो टिकट खरीदनी है। क्या सिंगल सेलर होता है? वही इंडस्ट्री है और वही फर्म है, क्योंकि एक ही फर्म है तो वही इंडस्ट्री है और वही फर्म है, सही है। हाँ, लार्ज नंबर ऑफ बायर है ये जरूर लिखा है आपने। देन रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म। अब आप कह दो या अम्बानी कह दे कि हम हमारी रेलवे खुद चलाएंगे, नहीं चला सकते क्योंकि गवर्नमेंट आपको परमिशन ही नहीं देगी, सही है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, गवर्नमेंट जो है मोनोपोली पे रेस्ट्रिक्शन रखती है, और ये राइट अपने पास रखा है गवर्नमेंट ने रेलवे के अंदर। तो इसके अलावा पेटेंट राइट के थ्रू भी गवर्नमेंट मोनोपोली करवा देती है ना, तो इस तरीके से मोनोपोली में नई फर्म एंटर नहीं हो सकती। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट रेलवे का, आपके पास सब्स्टिट्यूट भी क्या है, आप क्या कर लोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको चेन्नई जाना तो आपको 1600 रुपये भी देने पड़ेंगे, क्लोज सब्स्टिट्यूट है कहाँ? एरोप्लेन की टिकट तो सीधे 3000-4000 में आएगी, तो ऑब्वियसली इससे बढ़िया तो 100 रुपये दे दो, इसलिए आपके पास क्योंकि सब्स्टिट्यूट नहीं है। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस कौन तय करेगा सर? प्राइस तो रेलवे तय करेगा, सही है। तो जो रेलवे प्राइस तय करेगा वो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि वही इंडस्ट्री है और वही फर्म है। तो ध्यान देना, इसके अंदर जो इंडस्ट्री है वही फर्म होती है, अलग नहीं होता। इंडस्ट्री और फर्म दोनों क्या होते हैं? एक ही होती है। देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, देखो रेलवे जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि वो अलग अलग जनों से अलग अलग प्राइस ले सकता है, चीजें की है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हम देखते हैं, उसका अलग टैरिफ रहता है, अलग किराया रहता है अलग अलग जने से। कमर्शियल यूज की उसकी रेट अलग रहती है, डोमेस्टिक यूज की अलग रहती है ना, वो भी तो एक मोनोपोली है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अपने स्टेट बोर्ड से नहीं लेंगे तो फिर किससे लेंगे? और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, दैट्स अ मोनोपोली है। ऐसे रेलवे भी क्या करता है, जो बुजुर्ग होते हैं उनसे रेट अलग लेता है, और जो बच्चे होते हैं 18 साल से बिलो के उनसे रेट अलग लेता है, सही है। तो और जो नॉर्मल होते हैं 18 से ऊपर के और 60 से नीचे के, उनकी रेट उसकी अलग होती है। तो वो इसका मतलब क्या, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, और वो अलग अलग जनों से एक ही चीज़ का प्राइस क्या ले रहा है, अलग अलग ले रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें आपसे पूछते हैं, ठीक है। प्राइस मेकर अंडर मोनोपोली, ऑब्वियस है वो यहाँ प्राइस मेकर है, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी ना है,
और कोई फर्म है ही नहीं, तो वही प्राइस मेकर है और वही प्राइस टेकर है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया कि इंडस्ट्री और फर्म जो है मोनोपोली के अंदर एक ही होती है, ये अलग अलग नहीं होती है। सही है। देखिए मोनोपोली के अंदर जो डिमांड कर्व होते हैं वो थोड़े स्टीपर होते हैं, ठीक है, स्टीपर होते हैं। देखो AR और MR स्टीपर हैं, सीधे की तरफ नीचे आ रहे हैं, फ्लैटर नहीं जा रहे, तो ये स्टीपर होते हैं। क्योंकि यहाँ जो इलास्टिसिटी और डिमांड है ना वो आपकी लेस देन वन होती है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप चेंज नहीं कर सकते डिमांड। भाई अगर रेलवे का प्रोडक्ट आपको महंगा लग रहा है, यू हैव नो ऑप्शन, आप उसकी डिमांड चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मोनोपोली के अंदर जो डिमांड कर्व होते हैं वो आपके थोड़े से स्टीपर होते हैं। सही है। नेक्स्ट आपकी बात आती है कॉजेज ऑफ मोनोपोली मार्केट। सर ये मोनोपोली हो क्यों जाती है? तो सबसे पहली बात तो है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट जो लाइसेंस देती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट ने रेलवे चलाने का राइट केवल इंडियन रेलवे को दे रखा है, प्राइवेट सेक्टर को नहीं है। दैट्स वाई जो है गवर्नमेंट जो है लाइसेंस दे के मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। पेटेंट राइट में अपन देखते हैं कि यदि कोई मेडिसिन है, सही है, गवर्नमेंट ने मेडिसिन के लिए किसी को लाइसेंस दे दिया, तो केवल वही कंपनी मेडिसिन बना सकती है। और हम जानते हैं जो कंपनी जो बनाती है मेडिसिन उसके पास इसकी जो रॉयल्टी होती है वो मिलती है उसको, और वो चाहे तो वो किसी को उसका पेटेंट का यूज़ करने ना दे, ऐसा भी हो सकता है। कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप। कई बार जो है मोनोपोली वैसे तो नहीं होती पर लोग आपस में ग्रुप बना देते हैं। कुछ सेलर्स होते हैं वो कहते हैं यार हम क्यों कंपटीशन करें, तो टू अवॉइड कंपटीशन वो क्या करते हैं, खुद ही एक मोनोपोली बना देते हैं। इसका एक एग्जांपल है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ये आपकी, है ना, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये क्या कर, इन्होंने क्या 10-15 देश हैं और इन्होंने मिलकर आपस में जो है वो अपना कार्टेल बना रखा है। नेट पे अगर आप देखेंगे तो इसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, वेनेजुएला, इराक, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, कतर, नाइजीरिया, UAE, कुवैत, लीबिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबन, लगभग 14 कंट्रीज हैं। उन्होंने मिलकर जो है आपस में एक ग्रुप बना लिया, उसका नाम रखा ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और वो क्या करती हैं कि पेट्रोल के जो आपके भाव हैं और जो प्रोडक्शन है, जो रेट है, उस पर कंट्रोल रखते हैं। और कुछ एक जगह तो नेचुरल अकरेंसी हो गया, ठीक है। अब जैसे अपन कश्मीर की बात करें, कश्मीर को अपने आप ही नेचुरल अकरेंस है, उसको ब्यूटी के लिए मोनोपोली मिली हुई है। अगर अपन बात करें केसर, अपन खाने में यूज़ करते हैं, मिठाइयों में यूज़ करते हैं, बहुत महंगी आती है। अब केसर इंडिया में सिर्फ कश्मीर में ही उगती है, तो मोनोपोली अपने आप ही हो गई। तो ये बाय नेचर उसको मिला हुआ, ये किसी ने दिया नहीं है, ये अपने आप ही हो गया। सही है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। मैंने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कि एक ही चीज़ की आप डिफरेंट प्राइसेस ले रहे हो डिफरेंट बायर से, है ना, डिफरेंट बायर से आप डिफरेंट जो प्राइसेस है वो ले रहे हो, इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के तीन टाइप्स होते हैं। पहला है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे रेलवे का टिकट अलग अलग लोगों से, सीनियर सिटीजन से, यंग सिटीजन से अलग अलग प्राइस लिए जाते हैं। एक है आपका प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रूरल एरिया में इनका प्राइस अलग है और अर्बन एरिया में अलग है। हम देखते हैं गांव वालों से पैसे कम लिए जाते हैं, शहर वालों से पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। कैसे, यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का बैठ सकता है। रेजिडेंशियल यूज़ के लिए आप लेते हो तो उसकी रेट अलग है, जबकि कमर्शियल यूज़ इंडस्ट्री के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो तो इसकी रेट अलग है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के टाइप भी पूछे जा सकते हैं, पर्सनल, प्लेस एंड यूज़, ये आपसे पूछे जा सकते हैं।